हाँ जी बच्चों, रियल फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेटा, लेट अस जस्ट रिकॉल बाय सम एग्जांपल्स। मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, अगर आप रिकॉल करें बेटा, तो मॉडुलस ऑफ 5 इज नथिंग बट 5, मॉडुलस ऑफ 0 इज नथिंग बट 0, मॉडुलस ऑफ -3 इज नथिंग बट 3, राइट? दैट मीन्स अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज सेम, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस कर रहे हैं तो हम उसका नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। नाउ इफ यू कैन इजिली रिकॉल, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। दिस इज द नोटेशन विच इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आइदर जीरो और पॉजिटिव, एंड विच इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, राइट? नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कर दिया। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और इसका ग्राफ बेटा इस टाइप से बनता है, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, सेम वैल्यू आती है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव वाली साइड के लिए क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। दैट मीन्स वी शेप का ग्राफ जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। ओके, मॉडुलस का वी शेप ग्राफ है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बेटा। लेकिन कब वर्टेक्स चेंज होना है, कब क्या चेंज होना है, ये आपने ध्यान रखना होता है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने के लिए। ओके, चलिए पहले इसका डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं बेटा। डोमेन कंप्लीट रियल नंबर लाइन है, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है आर। लेकिन रेंज क्या है बेटा, रेंज देखिए वाई कौन सी वैल्यू ले रहा है, सिर्फ पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में कोई वैल्यू नहीं ले रहा, पॉजिटिव साइड में ले रहा है और जीरो ले रहा है। जीरो आई थिंक यू ऑल हैव रिमेम्बर दैट इज नॉट काउंटेड नाइदर इन पॉजिटिव नॉर इन नेगेटिव। ओके, तो रेंज इज नथिंग बट पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन सेट ऑफ जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, आर पॉजिटिव इन सुपरस्क्रिप्ट एंड जीरो इन सबस्क्रिप्ट। ओके, शुड रिमेम्बर ऑल दिस नोटेशंस। लर्निंग हमारी किसी भी कंसेप्ट की तभी कंप्लीट होती है बेटा जब हम उससे कनेक्टेड सभी टर्म्स अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, चलिए इसका अब ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना देखते हैं। ग्राफ तो देख ही चुके, यस। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, राइट? और हमने क्या कही इसकी डेफिनेशन बेटा, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज एक्स इटसेल्फ इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर हम इसके लिए टेबल फॉर्मुलेट करें तो दिस विल बी, सपोज फर्स्ट पॉइंट इज जीरो इटसेल्फ, तो जीरो ही आने वाला है बेटा। टू ले लिया बाय चांस तो उसके लिए वही रहने वाली है वैल्यू, दैट मीन्स टू। हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली तो उसके लिए इसका नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव होने वाला है। 0 पर 0, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ओरिजिन इटसेल्फ। 2 पर 2, एक्स पर 2, वाई भी 2, दिस इज द पॉइंट। देन -3 पर 3 वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। ओके, कुछ और भी ले ले बेशक आप, चलिए 4 पर 4 वैल्यू बेटा, -5 पर 5 ही वैल्यू, 4 वैल्यू पर 4 ही आने वाला है, दिस इज द पॉइंट, एंड -5 पर 5 ही आने वाली है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। तो आप देखें तो इधर से भी अपवर्ड जा रहा है, इधर से भी अपवर्ड जा रहा है, और जीरो से एक तरीके से इनिशिएट हो रहा है। जीरो के राइट में पॉजिटिव हुई वही की वही वैल्यू आएगी, नेगेटिव हुई उसका पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये शेप आपकी इस ढंग से बनने वाली है, राइट? वी शेप, वी शेप जिसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन दैट मीन्स 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट है।
राइट वर्टेक्स की भी इंपॉर्टेंस है, बट यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, जैसे कल आइडेंटिटी फंक्शन किया था, ये भी वी कुछ भी नहीं बन जाएगा। जनरली क्या करते हैं बच्चे जल्दी में, जस्ट वी बना देते हैं कुछ भी। ये भी दोनों तरफ इक्वली बेंट है बेटा, एक्स पर एक्स ही है, ओके वाई इज इक्वल टू एक्स है, इक्वली बेंट है ये आपका, और यहां भी इक्वली बेंट है, राइट ये चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा शेप बनाते हुए, कुछ भी नहीं बना देनी। चलिए इसके साथ साथ एक दो चेंज और बेटा, आप मॉडुलस एक्स तो एग्जैक्टली बना दिया आपने, बट अगर ये मॉडुलस एक्स माइनस वन है, मॉडुलस एक्स माइनस वन है, मॉडुलस एक्स प्लस वन है, तब क्या चेंज होगा? लेट अस जस्ट ऑब्जर्व दिस। मॉडुलस एक्स माइनस वन है, दैट मीन्स दिस इज एक्स माइनस वन इटसेल्फ, इफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? हम जो डेफिनेशन अभी हमने सीखी है बेटे, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन इज नेगेटिव, राइट? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, तो दिस इज एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट? इससे यही मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और दिस विल बी नथिंग बट वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज लेस देन वन। बस इससे आप एक बार टेबल लेके पॉइंट्स बना के देख लीजिए। चलिए देखते हैं चेंज। अब मान लीजिए इसमें भी मैंने पहले जीरो ही ले लिया, जीरो किस कैटेगरी में आता है बेटा? लेस देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन। लेस देन वन में, लेस देन वन में आया तो यहां जब मैंने जीरो रखा, वन माइनस जीरो दैट मीन्स वन आएगा, राइट? अब मान लीजिए एक मैंने पॉइंट ले लिया टू, टू पॉइंट लिया, टू इस कैटेगरी में आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहां टू रखा, टू माइनस वन इज नथिंग बट वन, ओके? अब यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया मान लीजिए माइनस वन, माइनस वन इस कैटेगरी में आएगा अगेन, अब एक्स लेस देन वन, वन माइनस माइनस वन दैट मीन्स वन प्लस वन टू आने वाला है, टू आने वाला है। चलिए एक बार इतने पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, जीरो पर वैल्यू वन, राइट, टू पर वैल्यू वन, एंड माइनस वन पर वैल्यू टू, ठीक है? एक बार जहां पर ये जीरो हो रहा था बेटा, दैट मीन्स वन, उस पर भी वैल्यू देखिए, वन पर क्या आने वाला है इस कैटेगरी में, वन माइनस वन जीरो, वन पर आने वाला है जीरो, राइट? वन पर जीरो। और चलिए एक आध पॉजिटिव वैल्यू और ले लेते हैं, क्योंकि हम देखें वन के नेगेटिव में दो वैल्यू आ गई, थ्री अगर हमने ले लिया, थ्री इज ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स थ्री माइनस वन टू आने वाली है वाई की वैल्यू, थ्री लिया तो वाई की वैल्यू टू। अब आप फिर गौर से देख रहे हैं बेटा, इसके राइट में बढ़ता जा रहा है, जहां पर दैट मीन्स ये वैल्यू जीरो थी वन पर, उसके राइट में ये इंक्रीज होता जा रहा है, अपवर्ड जाता जाएगा, और उसके लेफ्ट में भी यहां से अपवर्ड जाता जाएगा। जीरो कहाँ है? वन पर, वन पर, दैट मीन्स ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, राइट? इस टाइप का बनेगा। इसका अब आप वर्टेक्स देखो, तो इसका वर्टेक्स जो है बेटा वन जीरो पर मूव कर गया, अदरवाइज सेम ढंग से वी ही बना हुआ है। अगर इसको वाई एक्सिस इस पर शिफ्ट माने तो बेंट टू बोथ साइड इक्वली, राइट, इक्वली, बट इसका वर्टेक्स क्या हो गया? वन जीरो। तो आप ध्यान रखेंगे मॉडुलस एक्स माइनस वन में वर्टेक्स वन जीरो हो गया, जो इसका जीरो है, एक्सिस वन, एक्सिस वन, वाई जीरो मेंटेन रखा हुआ है, मॉडुलस एक्स माइनस वन यहां शिफ्ट हो गया और इक्वली बेंट करते हुए वी शेप बनेगी, ओके? ये मैंने सिंपल एक्स माइनस वन एग्जाम्पल लिया बेटा, बट आई वॉन्ट कि आप जनरल फॉर्म में इसको ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें, और ये इस ढंग से चेंज करना नहीं, सीधा चेंज्ड फॉर्म रखें। मॉडुलस एक्स माइनस ए विल बी एक्स माइनस ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड दिस विल बी ए माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ए।
this would be helpful for you if you remember directly. No need to change through all these steps. ओके डायरेक्टली इसको ध्यान रखिए और वर्टेक्स 10 पे शिफ्ट हो गया ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके रखिए ठीक है अदरवाइज बेंट सेम हो रहा है ओके अब ये तो लिया था मॉडुलस x माइनस वन अगर मॉडुलस x प्लस वन हो मॉडुलस x प्लस वन हो लेट अस जस्ट चेक अगेन दिस विल बी एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर सॉरी एक्स प्लस वन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस विल नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वन इफ एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो राइट सिंपल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने ध्यान रखी है बस वही कर रहे हैं बेटा अगर जिसका मॉडुलस ले रहे हैं इफ दैट इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो देन द सेम नंबर इफ इट इज नेगेटिव देन नेगेटिव ऑफ दिस नंबर राइट सिंपल जो हमारे हमने मॉडुलस सीखा है बस इसको फॉलो करेंगे तो दिस इज एक्स प्लस वन इफ एक्स इज greater than equal to minus 1, 1 transpose कर दिया right में सिर्फ and this is negative of x plus 1 if x is less than minus 1 तो इसको draw करने के लिए हम again table पर कुछ point ले ले बेटा x and y 0 पर क्या आएगा just check first minus 1 से greater के लिए x plus 1 है तो 0 पर 0 plus 1 that means 1 हो जाएगा ठीक है और माइनस वन पर भी बिल्कुल चेक करके रखिए जहां पर क्योंकि जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा इसका एक तरीके से माइनस वन पर स्प्लिटिंग पॉइंट है माइनस वन पर स्प्लिट कर रहा है फंक्शन उसके लेफ्ट में अलग ढंग से डिफाइंड है उसके राइट में अलग से डिफाइंड है तो वहां पर जीरो ही आएगा देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस वन पर ये डेफिनेशन है ठीक है देन चलिए एक पॉजिटिव ले लेते हैं टू टू लिया तो वो भी ग्रेटर की कैटेगरी में आ रहा है टू प्लस वन थ्री चलिए लेफ्ट की कैटेगरी में एक दो पॉइंट और लेते हैं बेटा माइनस टू ले लिया चलिए माइनस टू लेस देन माइनस वन है माइनस टू प्लस वन दैट मीन्स माइनस वन उसका नेगेटिव दैट मीन्स वन राइट एक माइनस थ्री भी ले लेते हैं चलिए माइनस थ्री प्लस वन दैट मीन्स माइनस टू का नेगेटिव लिया टू राइट तो ये पॉइंट आपके ग्राफ में आने वाले हैं बेटा जीरो वन माइनस वन जीरो दिस टू थ्री दिस पॉइंट जीरो वन था दैट इज मिस्ड ओके माइनस टू वन हमारी जो रेंज है वो पॉजिटिव साइड में ही रहने वाली है माइनस थ्री टू ओके ये आपका वर्टेक्स बनने वाला है माइनस वन जीरो दिस इज द वर्टेक्स ओके वर्टेक्स यहां होने वाला है बट शेप वही रहने वाली है बेटा शेप भी ही रहने वाली है वर्टेक्स चेंज होने वाला है वर्टेक्स इसका अब होगा माइनस वन जीरो राइट तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए बेटिया जब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन था तो वन जीरो पर शिफ्ट हुआ था वर्टेक्स जब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन था तो माइनस वन जीरो पे हुआ था दैट मीन्स इसका जीरो एक माइनस वन जीरो ओके और ये भी बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्टली ध्यान रखिए मॉडुलस एक्स प्लस ए विल बी एक्स प्लस ए इटसेल्फ इफ एक्स इज greater than equal to minus a and this is negative of x plus a if x is less than minus a right इनको directly ध्यान रखिए no need to change from the basic definition okay इसको directly ध्यान रखेंगे तो it would be very very helpful बेसिक डेफिनेशन मॉडुलस एक्स माइनस ए मॉडुलस एक्स प्लस ए आई होप सभी तरीके के ग्राफ आपको क्लियर हुए होंगे उनके डोमेन उनके रेंज ओके डोमेन आप देखें सभी के रियल नंबर्स हैं और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो जीरो भी इंक्लूडेड है ओके सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल थैंक्स एवरीवन